हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। केंद्र के आम बजट पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट निराशाजनक है और आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने आम आदमी को बजट में निराश किया है। जो चीजें बजट में सस्ती होनी चाहिए थी वो महंगी है और जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें थी वो सरकार द्वारा महंगी की गई है। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि पूरे बजट को देखने के बाद ये लगता है कि जिस तरह से हम काफी दिनों से कह रहे हैं कि सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहा जा रहा था, इस बजट ने यह साबित किया है। बजट एस्टीमेट के अंदर किसी वर्ग के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आज सबसे ज्यादा उम्मीद तो इस बात की थी कि पिछले 65 दिन से अन्नदाता सड़क पे पड़ा है, उन किसानों के लिए कोई राहत भरी खबर आज बजट एस्टीमेट के अंदर सरकार देगी। परंतु खेती पे जितना पहले खर्च होता था उससे भी घटा दिया। सिर्फ ये कह के कि हम दुगनी आमदन कर देंगे, करेंगे कैसे? आमदन तो दुगनी दो ही तरह से हो सकती है, या तो लागत घटे या दूसरी फसलों के रेट बढ़े। लागत लगातार बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल आज कितने महंगे रेटों पर चला गया। अब तक के जब से देश आजाद हुआ है सबसे मैक्सिमम रेट पे, और उम्मीद थी कि इसमें कुछ टैक्स घटाकर उनमें राहत करेंगे, उनमें कोई राहत नहीं थी। आम आदमी को कोई राहत नहीं। गैस महंगी कर दी जो हर एक के इस्तेमाल की चीज है, सोना सस्ता कर दिया जो अमीर लोग खरीदते हैं, गरीब आदमी के जो चीज है वो सारी की सारी महंगी कर दी। तो अशोक अरोड़ा ने बजट को लेकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी के लिए चीजें सस्ती होनी थी वो महंगी हो गई, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट पूंजीपतियों के लिए है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा, सरकार ने आम आदमी को बजट में निराश किया है, ये बात उन्होंने कही है। केंद्र के आम बजट पर अशोक अरोड़ा ने तंज कसा है। तो आज देश का बजट पेश किया गया था, उसको लेकर एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी बेहतर बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसको निराशाजनक बता रहा है। और यही वजह है कि अशोक अरोड़ा ने इस बजट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है और इसे पूंजीपतियों का बजट करार दिया है।